भाई की लुक चेक करो, पूरी ब्लैक थी, उसके बाद मिट्टी मिट्टी कान में मिट्टी मिट्टी लगी हुई है। हेलो भाई, मैं हूँ विनीत, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रॉपर ब्लॉग, ऑफ रोडिंग ब्लॉग, जिसके अंदर आपकी 25-30 थार रहेंगी। ब्यूटी का ये ग्रुप है जिसके अंदर हम आज आए हैं, ऑफ रोडिंग आपको सारी दिखाने वाली है। इधर आप एक बार लाइनअप चेक कर सकते हो गाइस, ऐसा कुछ लाइनअप अभी बना हुआ है, बाकी धीरे धीरे बनने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कौशल भाई से मिला देता हूँ। कैसे हो कौशल भाई? आज इन्हीं की वजह से हम इस मीटअप में आ सके हैं और ऑफ रोड हम देखते हैं जीओटी का कैसा क्या रहता है। आज देखना भाई, फुल मौज बनवा देंगे भाई ब्लॉग में, भाई की भी पूरी देखना। कम से कम 25 एक गाड़ी है जितना ग्रुप में दिखा रहे हैं, ऊपर नीचे हो जाती है। एक हाँ। नई लोकेशन है आज मेरे लिए, नई लोकेशन में पाजू तो आते रहते हैं। हाँ जी। तो भाई पूरा दिखाएंगे कि कैसे भाई, मतलब छोटा सैंड ड्यून्स टाइप की है, बड़ी ऑफ रोडिंग। और ये देखो, ये है कौशल भाई की गाड़ी जिसपे अच्छा खासा रैप हो रखा, और इधर आप बुल वगैरह देख सकते हो। इस रैप की शायद मैंने आपको रील भी यूट्यूब पर दिखाई होगी, कौशल ए वो बी पॉजिटिव प्रताप भाई वाली बात है, ये सब लिखा होना काफ़ी ज़रूरी है। इधर अपने स्पॉन्सर्स के स्टिकर्स वगैरह, जैसे हमने BNT का मोटर स्पोर्ट वगैरह किया था उसके अंदर भी ये गाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, और हमें लगा नहीं था भाई थार में पार्टिसिपेट करें। उसके बारे में आपका क्या कहना भाई? सच बताओ मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मेरी गाड़ी X1 के बाद मेरी गाड़ी सेकेंड नंबर पे, सेकेंड राउंड पे फिर गलत कट ले लेने तो मेरी सेकंड आती है। वो BMW X1 टेक ऑफ नाम से जो थी, वो भी अपने तरुण भाई की थी, वो रोहिणी से। अरे वो फर्स्ट आ गए, मैं सेकंड थर्ड भी नहीं आ पाया। अगर मेरा वो लास्ट कट मिस नहीं होता ना प्रताप के साथ, प्रताप कोऑर्डिनेट कर रहा था सेकंड राउंड में, फिर भाई सब बढ़िया गया। आखिरी में थोड़ा हल्का सा कट मिस हो गया, 94 सेकंड में पार हो गई थी मेरी गाड़ी। अरे भाई, X1 92 सेकंड। कोई नहीं, 11 को देखते हैं बाकी दो। 11 देखो भाई तो। और ये देखो लाइन नंबर, आप चेक कर सकते हो, साइनेमेटिक शॉट्स भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। ये देखो भाई, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा थार हो चुकी है। अभी हम लोकेशन पे यहाँ पर लोकेशन पे हम आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप एक बार यहाँ से गैदरिंग देखो भाई, सॉलिड सॉलिड मेरा भाई। पहुंच चुके हैं, देखो लोकेशन, देखो ये पूरी आपकी लोकेशन, ये आपकी थार देख सकते हो, कम से कम 25-30 थार आई है। एक टाइम था। सो गाइस, फाइनली हम लोकेशन पर आ गए और आपको अभी से हम सीन वगैरह दिखा देते हैं। ये गैदरिंग हो रखी है और उधर देखो भाई, वो थार आपको टॉप पे दिख रही है। लाइक भाई जिगरा चाहिए, आप गाड़ी तो ले लेते हो उसके बाद आप ये सब कर रहे हो। और ठीक है, वो फॉर्च्यूनर अभी भाई कितने लेवल पे चढ़ी है भाई, क्या क्रेजी सीन्स हुए हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। धूल वगैरह उड़ रही है और वो देखो टॉप पे रेड कलर की ब्यूटी, ये मेरा भाई, ये गई एक और। भाई साहब, भाई साहब एक नंबर यार, क्या भाई एक नंबर की जो वीडियो बनाते हैं ना वो बना रहे। और ये फॉर्च्यूनर भाई, ओबे वो देखो भाई, यार 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 ये सही, आपको लग नहीं रहा होगा ये कैन क्लाइन है, पर ये देखो भाई H410 सोनीपत की गाड़ी, ये लो मेरे भाई। और उधर देखो एक और टॉप पे गाड़ी, और इधर एक और। हाँ जी कौशल भाई, क्या सीन है? मजे आ रहे हैं भाई, कैड मजे आ रहे हैं, और मौसम भी बढ़िया है। मौसम तो बढ़िया ही है भाई, साथ दे ही है। एक नंबर, ज्यादा ठंड भी नहीं है यहाँ पे। हाँ वैसे तो है, लेकिन जैकेट जैकेट काम आ रही है इसमें। तो ये अपने साहिल भाई हैं, कैसे हो साहिल भाई? ऑफ रोड करते हो लाइक, आपका जितना एरिया बढ़ता है उतना प्रेशर आपका कम लगता है, इधर हवा वगैरह कम हो रही है, और उधर वो थार आते ही के साथ एक थार स्टक हो गई, शायद वो कुछ मतलब उसकी
अरे अरे ये देखते हैं, ये शायद बैकअप व्हीकल के लिए। अरे 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 भाई एक नंबर मेरे भाई। इधर देखो आपको दिखा देते हैं, हवा वगैरह कम हो रही है ताकि बढ़िया तरीके से ग्रिप बन जाए। लोकेशन आप देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने का मिल जाए। चारों तरफ लाइक ऑफ रोडिंग ट्रेल्स है जहाँ पर आप अपनी थार के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि लाइक क्या क्या आप गाड़ी के अंदर काम कर सकते हैं और जो आपको नेसेसरी हो। जैसे अभी आपको पता लग जाए भाई आपकी थार के अंदर कितनी पावर, उधर मैं आपको जिसकी रील हमने बनाई थी बढ़िया वाली, अब ये गाड़ी जाने वाली है उधर, वो गाड़ी आते स्टक हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ऊपर चल के पता लगेगा, वो तो थोड़ी हवा भी तेज चल रही है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना भाई। सब लोग वो ट्रेल ट्राई कर रहे थे, हम कुछ अलग ट्राई करने जा रहे हैं। अब वहां पर देखते हैं, वहां पर एक गाड़ी एकदम भयंकर तरीके से स्टक होगी। और मुझे ये सब ऑफ रोडिंग सीन देखते हुए मुझे भाई स्मॉल टाउन राइडर तरुण भाई की और शोएब भाई की, ईशान भाई की, रमन भाई की बहुत याद आ रही है। और शिव भाई को कैसे भूल गए, अरे अरे भाई यहाँ तो एक्सट्रीम हो रहा है, लाइक टोइंग ओक भी यूज होने लग गया अभी से। ये देखते हैं, अभी बाहर चल के आपको कंप्लीट सीन दिखाते हैं कैसे क्या है। रोक के तो भाई आपको दिखाते हैं कैसे क्या दिक्कत बन गई। इधर भाई ने कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम कर दिया और मतलब बीच की कंप्लीट बॉडी चेसी वगैरह भी आपकी टिक चुकी है गाड़ी की। और ये देखो इधर से अभी माउंट वगैरह भी करने लग गए हैं कि भाई गाड़ी को आसानी से निकाल सकेंगे। ये देखो भाई, कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस रहती है थार के अंदर, मैं तो छोटी कर दी आज बल्कि थार को। इधर देखो, ये देखो भाई इतना एक्सट्रीम हो गया है। और भाई ठंड वगैरह हो गई है, ये देखो भाई। इधर देखो अपने साहिल भाई गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहिल भाई देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं, वैसे ही आगे से निकल सकती है शायद। उधर अलग सीन हो रखे, वहां से गाड़ियां ऐसे चढ़ रही है, इधर अलग सीन हो रखे हैं। और ये देखो भाई अब इसको निकालने के बाद हम बाकी देखते हैं। ये देखो अभी हम रेस वगैरह भाई बैठ रहे हैं और इससे हमें दूर हो जाना चाहिए भाई, इसका पता नहीं कब ये टूट जाए। फ्री जा रहा भाई फ्री, रोक लो भाई ये टूट गया। टायर वगैरह भी अपडेटेड है लाइक ऑफ रोडिंग के लिए, पर हम कह सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनेगी, शायद एक दो तीन पार्ट में आपको मैं दिखाऊं कंप्लीट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं चाहता कि आप भी लाइक बोर हो, पर ऐसा होने नहीं दूंगा मैं इस सिचुएशन में आके इस जगह पर आपको बोर होने दूंगा। बालू रेत कुछ ज्यादा है, थार कुछ ज्यादा ही फंस रही है, कहीं से भी लाइक जाम चाह रहे हैं वहाँ हो नहीं पा रहा अच्छे से। इधर ये फंसी हुई है, ये देखो इतना बन नहीं पा रहा। तो भाई ठंड वगैरह भी हो रही है इसलिए मैंने कैप वगैरह डाल रखी है। और ये देखो भाई, ये देखो अलग लेवल, अलग लेवल पाजी ने तो भाई कमाल ही कर दिया, एक नंबर। ये गाड़ी हटाते हैं, साहिल भाई गाड़ी हटा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या निकालना पड़ेगा। इधर एक और थार फंस गई, एक निकली नहीं है दूसरी फंस गई, एक निकली नहीं दूसरी फंस गई। इसकी भी बॉडी टच हो गई भाई, इसके अंदर भी हम देखते हैं। फोर लो लगवाते हैं भाई से कह के, बाकी ट्राई मारते हैं। फोर लो लगा लिया भाई, टिक्की बॉडी, टिक्की बॉडी टिक्की। अरे ये पत्थर पे टिक गया फुट रेस्ट, ये देखो गाइस आप देख सकते हैं पत्थर लगा हुआ है, तो वही चट्टान वाला पत्थर जो अपने कुशल भाई गाड़ी में अभी टकराया था, तो उस साइड पूरा उस साइड, हाँ उस साइड काटो। अब बैक जान दो फोर लो में, बाकी मिट्टी वगैरह भी उड़ने वाले है मुझे पता है। ये देखते हैं, चलो बनेगी बात बनेगी। हमने भी मतलब कोशिश कर लिया गाड़ी को निकालने की, पर वो बात बनी नहीं है क्योंकि पत्थर फंसा हुआ देखो। और उधर से वो वाली गाड़ी तो निकल गई अपनी पाजी वाली, ठीक है। इधर हमने खूब ट्राई मार लिया, बन नहीं रही मेरे भाई बात। इधर मैं आपको एडवेंचर स्टैटिक्स में जाके, बन नहीं रही भाई मेरे बात, एक बार देखते हैं दोबारा ट्राई। देखो थार अपनी कोशिश कर रही है, उधर एक थार इधर फॉर्चुनर अलग कर रही है इधर अपनी, और इधर हम फंसी हुई निकाल रहे हैं भाई। कोई नहीं भाई करेंगे, मुसीबत में कोई नहीं होता ना, अपने साहिल भाई आ जाते हैं। और ये टो स्ट्रैप लगाते हैं, ये देखो शैकल वगैरह इसी के अंदर है। पत्थर लग गया मेरे भाई, साहिल भाई एक बार पकड़ना, शैकल लगा देते हैं। तुम्हारे भाई ने शैकल तो फिक्स कर दिया इसके अंदर, और अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। लो भाई लो, इस साइड लो और जान दो, चलो चलो दूर हो जाओ भाई, दूर हो जाओ।
ठीक है भाई, डन है। रोक दो भाई, रोक दो, रोक दो। हाँ तो भाई, साइकिल हमने ये गाड़ी निकाल दी, साइकिल इसका निकाल देते हैं, ठीक है। भाई अच्छे से नहीं बनाई ये, अच्छी नहीं बनाई। इंक्लाइन लेवल आप देख सकते हो -16 और 15 उस साइड से। ऑफ रोड मोड मैंने ऑन कर दिया और ये देखो भाई कितनी इंक्लाइन हो रखी है। अभी हम चलते हैं उस साइड देखते हैं कहीं चढ़ा चढ़ू के। इस साइड फॉर्चुनर लग रही है, इस साइड थार लग रही है, अपनी कौन सी जगह बची है। सो लेट्स सी हम कौन सा ट्रेल करते हैं। बट यार फन तो है भाई, रिस्क भी है फन भी है। रखो फोर लो में ही। हाँ उसका रीजन ये है, शुरू में एक बार फंस जाती है ना। हाँ रखो फोर लो में ही, एक बार फंस जाती है ना फिर वो निकालने टाइम है ये। तो भाई यहाँ पर ऐसा माहौल हो रखा है, देखो उधर वो थार वाले भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। आगे पीछे जा भाई, भाई को उठाना। यहाँ से हम उतार रहे हैं, एक बार इंक्लाइन लेवल आप देख सकते हो। देखो आपको शायद वीडियो इतनी जस्टिफाई नहीं करती है, पर स्टिल यार इतना इंक्लाइन लेवल है। ये देखो भाई, ये देखो सिंपल बैठू ना मैं ऐसे गाड़ी, और ऐसी गाड़ी की पोजीशन आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं। जंप ले रहा है बड़ा बंदा, अच्छा हुआ पहले आया। यूनिट देखो, और ये देखो एक थार गई। क्रेजी सीन्स हो रहे हैं हर तरफ। ये आपको ऑफरोडिंग ट्रेल्स दिखाया था, अब हम थोड़ा कुछ अलग हटके कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा एरिया कम है, गाड़ियाँ वगैरह भी लग रही है। देखो भाई कैसे गाड़ियाँ किस तरीके से इंक्लाइन हो रही है। पर आप नजारे भी देख सकते हो, अब थोड़ा रोड सही हुआ है। तो भाई हम जा रहे हैं और जाते ही जा रहे हैं, सेकंड ट्रेल पर आ गए हैं। और आवाज़ें आ रही हैं बड़ी भयंकर, कुछ ही पत्थर की आ रही हैं, कभी इन झाड़ियों की आ रही हैं जो अपनी गाड़ी पे टच हो रहे हैं। पर ये फील भी आ रही है उसी के, आपको थोड़ा सा दिल पे दर्द भी हो रहा है। बाकी तो भाई बताएंगे इनको कितना दर्द हो रहा है। दर्द तो ठीक है भाई, लेकिन मज़ा तो आ ही रहा है यार, क्या बोल सकते हैं। अब आप हर चीज का मतलब पैसा नहीं देखा जाता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर जगह के भाई। इसके थोड़े देख सकते हो आप डिसएडवांटेजेस रैप के, और रैप क्या यार, आपका आप पीपीएफ भी करवाते तो पीपीएफ आपकी जाती है, तो इनडायरेक्टली मेरे लिए पीपीएफ ही है गाड़ी की, क्योंकि यार इसमें रैप हो रखा है। रैप पीपीएफ और पीपीएफ क्या काम करती है, प्रोटेक्शन, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है, ये भी मेरी गाड़ी के पेंट को बचा रही है, तो कोई सीन नहीं। और ये तो जबकि बिना पीपीएफ सिरेमिक है, इसका पेंट का क्या हाल होगा जब इसका हो जाए, उसकी बल्कि वैल्यू डाउन होती है वैसे गाड़ी। सिरेमिक की हो जाए, पीपीएफ जो करवाता है उसका कुछ भी होता है। वहाँ देख सकते हो आप पूरा पार्क कर रहे हैं सारे लोग गाड़ी अपनी। एक बार चेक करो और गैदरिंग देखो, इधर थार, सारी थार। और ये देखो हम तो सोचने आए थे यहाँ पर झरना वगैरह थोड़ी सी मतलब पानी वानी होगा, पर एकदम ही अकाल पड़ा हुआ है। इधर भी देखो कुछ भी नहीं है भाई। और ये देखो भाई सभी, ये पब्लिक रिएक्शंस भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। और ये देखो भाई क्रेजी सीन हो रखे हैं, एक नंबर के मजे आ रहे हैं। अब यहाँ शायद हम फोटो शूट वगैरह करेंगे, उसके बाद शायद पैकअप वगैरह करके अपने घर की ओर निकलेंगे। बाकी देखते हैं, अभी कोई और सडन प्लान बन जाता है तो वो भी आपको बताते हैं। ये देखो भाई, अरे एक थर दिख रही है आपको, वो देखो वो रही। ये देखो मेरे भाई,
हम अपनी लोकेशन से ऑफ रोड वगैरह करके तो निकल चुके हैं, अब देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर आप आगे की गाड़ी से पोजीशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गाड़ी की एक्चुअली में क्या पोजीशन होगी। पर ऑब्वियस सी बात है बाहर उतर नहीं सकते, काफी ज्यादा लग थकान वगैरह हो ही जाती है। और सामने वाली गाड़ी की पोजीशन देखो आप भाई, देखो कहाँ पर वो गाड़ी और कहाँ पर हमारी गाड़ी ऐसे। और यहाँ से हमने एकदम स्टेयरिंग को पूरा लेफ्ट में टर्न किया और वो देखो भाई वो उस साइड और डीपनेस। ओ शिट, सर ऑफ रोड बढ़िया, मजे आ गए। बाकी देखो कौशल भाई की गाड़ी में स्टेयरिंग की कुछ आवाज आ रही है। और ये देखो वापिस हम से मतलब सभी गैदरिंग हुई है दोबारा, उसके बाद एक बार देखते हैं कैसे क्या सीन रहता है। शायद ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, बाकी आप भीड़ वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हो। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो गाड़ी के ऊपर कितने ज़्यादा स्क्रैच आ जाते हैं। और सभी गाड़ियों पे ऐसे स्क्रैच देखने को मिलेंगे आपको, ये देखो भाई स्क्रैच देख रहे हो। ऑफ रोडिंग के साइड इफ़ेक्ट्स है भाई ये, आपको लगेगा कि भाई आप मतलब अपना इंजॉय तो कर ही रहे हो पर आप कहीं ना कहीं गाड़ी को भी तोड़ ही रहे होते हो, ठीक है। अब ये देखो इस पर काफ़ी ज़्यादा शानदार रैप हो रखा भाई, इसका कलर ही नहीं समझ आता ये एक्चुअली है क्या, दिन में कुछ है रात में कुछ है। भाई अभी और डलते डलते और भाई लाइव हो, ठीक है कोई दिक्कत भाई, कहते हैं यूट्यूब आसान है, कभी मतलब इंस्टा के रील्स के लिए शूट करना है वही दोबारा यूट्यूब के लिए शूट करना है। ये देखो भाई कितनी मेहनत चल रही है। और यहाँ पर अपनी गैदरिंग हो रखी है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे उसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद हम और भी गाड़ी का रिव्यू है वो करना है भाई। सुबह लाइक 4 बजे से उठा हुआ हूँ मैं, बता देता हूँ मैं आपको 4 बजे से उठा हुआ हूँ और जब से हम ऑफ रोड कर रहे हैं और अब लगभग 11 बज चुके हैं और अब हम खाना वाना खाएंगे तो और शायद 12:30 बज जाएंगे, उसके बाद हम और देखते हैं कैसे क्या सीन रहता है। बाकी ये लोकेशन इधर अब देखो एक मतलब एक क्रेजी बाइक भी खड़ी है, वो भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ गाइस। ये देखो भाई क्या सेक्सी लग रही है, 0071 एक नंबर मेरे भाई एक नंबर। सो भाई अब चलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने, इधर सभी भाई लोग जुड़े हैं। भाई तुमने टोल पे कितना टाइम लगाया? टोल तो भाई 2 मिनट में लगे, 2 मिनट में हमारा तो 3 मिनट का करवा के हम तो फ्री निकले हैं। मैं 2-3 आखिरी की लास्ट में फ्री निकाली मैं भाई, इतनी देर थोड़ी ना होती है। ये देखो भाई हमारे भाई की लुक चेक करो, पूरी ब्लैक थी, उसके बाद मिट्टी कान में मिट्टी लगी हुई है। पर सीरियसली भाई इन भाई को कोई कह सकता है ये ऑफ रोड करके आए हैं? एकदम चमक रहे हैं दूर से, मिट्टी उट्टी दिख नहीं रही है भाई। ये देखो भाई अब हमने फिर भी कपड़े वगैरह झाड़ लिए हैं, अब यहाँ पर खाना वाना करते हैं उसके बाद चलते हैं भाई, मिट्टी उट्टी झाड़ दी है। ये देखो तुम्हारी भाई की ब्लैक में लुक चेक कर रही है भाई। इधर खाना वाना चल रहा है, खाना वाना खा के फिर चलते हैं इधर से। ये देख लो भाई जब हम कौशल भाई से मिले थे, कौशल भाई कह रहे मैं डाइट वगैरह पे हूँ, अभी 3-4 आलू परांठे तो हो गए हैं बढ़िया तरीके से। अभी चल ही रहा है, अभी चल रहा है, सबका हो गया खाना पीना पर भाई का चल रहा है, खाना वाना हो गया। अब यहाँ से पैकअप कर रहे हैं हम, 11:30 बज चुके हैं तो अब निकलते हैं उधर से एग्जिट अपनी और खाना कर लिया। अब आप तब तक के लिए वीडियो देखे हो तो वही सभी को बाय बाय हो रही थी तो अब निकलते हैं इधर से। अच्छा आपको भी बताना है क्या कहाँ चलना है? आप तो मेरे साथ ही चल रहे हो, ना ना साथ ही चलो आप मेरे। साहिल भाई ठीक है, मिलते हैं भाई। ये थम्स अप कर लिया हमने, एक साइड से वीडियो बन रही है। यहाँ पर वीडियो का एंड हमने कर दिया है
और यहाँ से अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चल चुके हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि भाई आगे वाले सीन में सुपर कार मीट है उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।